कहाँ आपकी लड़ाई कहाँ पे हुई थी? सियालकोट सेक्टर में जी। सियालकोट सेक्टर? हाँ, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के साथ 62 वाली लड़ाई लड़ी, 65 वाली लड़ी, 71 वाली, तीन लड़ाई लड़ी, तीनों का मेडल है मेरे पास में। 71 लड़ाई में गोली का लगने से मैं कंडम हो गया और मैं घर पर आ गया सर, बिल्कुल भूखे और प्यासे, झूठ नहीं बोलते थे, प्यास की जगह पानी, पेशाब पिया, पेशाब पिया। पानी की प्यास बुझाने के लिए मैंने 3 बार अपना पेशाब सड़ू से वो पिया। मेरे गोली लगी थी उस वक्त, मेरे चिट्ठी मेरे घरवाली को और मेरे बाप को और माँ को, 2 महीने में चिट्ठी मिली थी कि तेरा लड़का लड़ाई में जख्मी हो गया। इस टाइम पर तो इतना स्वार्थ आ गया कि मेरे जो बच्चे हैं वह और मेरा भी आपसरी में आँख नहीं मिलती ना साहब। ये तो जीना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हम देश सेवा करी और जब मौका सरकार देगी तो अभी भी करने के लिए तैयार है। मेरे को आज भी जब सरकार मौका देगी तो मैं बॉर्डर के ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। अभी हमारे साथ है एक बुजुर्ग व्यक्ति, हालांकि आर्मी से रिटायर्ड हैं, फौजी हैं, और आप देख रहे हैं इनके दाढ़ी और एक तरह से बाल देखेंगे तो पूरे सफ़ेद हैं और हंसमुख है, कितने स्माइलिंग, कितनी अच्छी है। इनसे हम बात करेंगे, पुराने ज़माने की कुछ खास बात करेंगे और साथ में फौज की भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं, शुभ नाम सर आपका? रणधीर सिंह रनवा। रणधीर सिंह रनवा। रणधीर जी आप ये बताइए, लगभग कितने उम्र होगी आपकी? मेरी 81। एक कमासी। तो आप फौज में कितने वर्ष आपने सेवा दी? हाँ जी, 13 साल। 13 साल सेवा? 13 साल। कब आप लगे थे फौज में? सन 60 में। सन 60 से लेके कितने साल तक आपका रहा? 72 तक। बेहतर तक, तो आपने बेहतर तक सेवा आपने दी, 12-13 साल आपने सेवा दी, उसके बाद आप रिटायर्ड हो गए। उसके बाद क्या करते लगी जी? 71 लड़ाई में पैर में। अच्छा। हाँ, ये पैर में गोली लगी। की लड़ाई में आपकी गोली लगी? हाँ, ये तो ये। अच्छा। हाँ, ये गोली लगी है 71 की लड़ाई में। जैसे कि इन्होंने हाँ। बताया 71 की लड़ाई में इनको गोली लगी, गोली लगने के बाद ये एक तरह से मेडिकल से फौज से रिटायर कर दिया। अच्छा। हाँ जी, के मतलब कैटेगरी जो लड़ाई के जख्मी थे ना भाई, वो घर जाओ जी। हाँ, कहाँ आपकी लड़ाई कहाँ पे हुई थी? सियालकोट सेक्टर में जी। सियालकोट सेक्टर? हाँ, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के साथ? हाँ। कितने टाइम आप लड़ाई में रहे? 1 महीना जी। 1 महीना? 1 महीना। उस समय का दौर कैसा था, किस तरह की मौसम था, किस तरह की हुआ? उस टाइम का हमारे पास में न तो कोई खाने की व्यवस्था थी, न कोई पानी की व्यवस्था थी, न कोई टेलीफोन या फोना की व्यवस्था थी साहब। बस न बुझे इतना एरिया था कि उस वक्त तो बहुत दुख था। आज तो राजा का राजा रहा। उस टाइम की अगर तस्वीरें हम देखें, आपके आंखों में देखते था वो तस्वीरें झलकती है, तो अगर उस दौर की अगर बात करें, एक बार ना आप आंखें बंद करके वहाँ एक बार जाकर दिखाइए, किस तरह का नज़ारा था, क्या किस तरह के दृश्य थे और क्या माहौल था उस टाइम साहब? उस टाइम की बातें तो छोड़ो, उस वक्त आप वर्ग सज्जन और हमारे को ऊपर से हवाई जहाज के बर्स्ट, हवाई जहाज के बम और टंका के बम साहब, हम 7 दिन उस पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भूखे और प्यासे, झूठ नहीं बोलते थे, प्यास की जगह पानी, पेशाब पिया उससे अपने। देखिए आप, पानी ना मिलने के कारण 7 दिन तक भूखे प्यासे रह गए, पानी की जगह अपना पेशाब पिया, बहुत बड़ी बात है। बुजुर्ग हैं और उन्होंने बताया 12-13 साल इन्होंने फौज में अपना निभाया, 71 की लड़ाई की बातें बता रहे हैं जी, बताइए। हाँ, बिल्कुल, 71 की लड़ाई में हमने 7 दिन सियालकोट सेक्टर में न तो खाना मिला और न पानी मिला। पानी की प्यास बुझाने के लिए मैंने 3 बार अपना पेशाब सड़ू से वो पिया। तो इस तरह के करके आप लोगों ने एक तरह देश की सेवा की, देश को जिस हिसाब से आप देख रहे थे आज़ादी के समय, लगा के चलो आप भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय देख लो, बुजुर्गों ने अपनी जान कुर्बानियों को देकर देश को सींच कर रखा। इस वक्त का अगर हम लोग हालात की बात करते थे, कैसे हालात है?
अभी तो साहब बहुत सुख है। उस टाइम पर मैंने 62 लड़ाई लड़ी, 65 लड़ी, 71 तीन लड़ाई लड़ी, तीनों का मेडल है मेरे पास में। हाँ, 71 लड़ाई में गोली का लगने से मैं कंडम हो गया और मैं घर पर आ गया साहब। तीन लड़ाई इन्होंने लड़ी है, 71 की लड़ाई लगी है, उसके बाद पहले 62 की लड़ाई लड़ी है, फिर 65 की लड़ाई लड़ी है, 71 की जी, तीन लड़ाई लड़ी हैं। वो बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं, लगभग 79 साल के ये हैं। और अभी अगर फ़िलहाल की बात करें तो इनके जैसे कि जिस हिसाब से बात करें, इतने तंदुरुस्त हैं, इतने हट्टे कट्टे हैं, और पूरा उस हिसाब से बात कर रहे हैं कि आजकल के युवा की अगर बात करें, इतनी नहीं बोल सकते जितना इन्होंने अपना जज्बा और जिस हिसाब से हौसले के साथ बातचीत कर रहे हैं जी। आप ये बताइए, जैसे उन दिनों की अगर थी, लगभग कितना घर के अगर आने की बात होती थी, कब छुट्टियाँ मिलती थी, क्या रहता था? मेरे को 12 महीने में छुट्टी मिलती थी साहब, और हमारी मतलब छोटी छोटी कोई नहीं थी, न बतलाने के लिए हमारी साथ 2-2 महीने डाक घर नहीं पहुंचती थी, समझे? इतनी मुसीबत है, मतलब घर का कोई कनेक्शन नहीं था। उस समय की दौर की अगर बात करें, उस टाइम की ना तो टेलीफोन होते थे, ना मोबाइल होते थे, उस टाइम अगर किसी को संदेश देना है घर तक, अगर ना तो कोरे कागज़ में चिट्ठियां लिखकर वो डाक में लगाते थे, वो डाक में महीने में 15 दिन 2 महीने बता रहे हैं, 2-2 महीने तक लेटर नहीं। लड़ाई का दरमियान में मेरी चिट्ठी, मेरे गोली लगी थी उस वक्त, मेरे चिट्ठी मेरे घरवाली को और मेरे बाप को और माँ को 2 महीने में चिट्ठी मिली थी कि तेरा लड़का लड़ाई में जख्मी हो गया। मैं उस वक्त श्रीनगर हॉस्पिटल में था, श्रीनगर से जम्मू आया, जम्मू से दिल्ली आया। उस वक्त मेरे माँ बाप ने मेरा पाटिया जी मेरे को मिलने के लिए दिल्ली गए थे कि भाई बोले हमने पता नहीं, मैं बोला चिट्ठी तो गिरी थी, बोला चिट्ठी मिली नहीं, मैं बोले भाई वो तो के पता चिट्ठी नहीं मिली साहब, और कोई सुविधा थी नहीं। कितने का आप लोग थे वहाँ पे, अगर आप लोगों के गांव की बात करें, इस हरियाणा की बात है, लोग कितने के लोग आप लोग? हम 1000 आदमी थे साहब, एक यूनिट में 1000 आदमी थे हमारे, समझ गया। और मेरे को भैया ने, मेरे जो बड़े फौजी थे वो ठाकी लाए, कि पर तो कंडम हो गया था, ठाकी ने गेल ना 7 दिन के बाद में उस वक्त मैंने अपने हाथों से पट्टी बांधी अपने भैया ने, मना नहीं अपने दोस्तों ने पट्टी बांधी और मेरे को गेल ने पहुँचाया। उन दिनों के अगर दोस्त जिन्होंने आपका साथ निभाया, उन दोस्तों की अगर कभी मुलाकात होती है, कभी बात होती है? साहब अभी मुलाकात नहीं होती है, नहीं होती साहब। तो पुरानी बातें तो याद बहुत, पुरानी बातें याद आती हैं साहब, बहुत याद आती हैं, और इतना प्रेम, इतनी यादगार, मैं उनको भूल नहीं सकता। तो उस टाइम जो प्रेम भाव होता था, लोगों से मिलना होता था, किसी से आपने मिले बड़े प्रेम भाव से बात करते थे, लेकिन अब की बात हम लोग करते हैं तो इस टाइम लोगों में कितना स्वार्थ आ गया? नहीं साहब, इस टाइम पर तो इतना स्वार्थ आ गया कि मेरे जो बच्चे हैं वह और मेरा भी आप श्री में आँख नहीं मिलती ना साहब, ये तो जीना बहुत कठिन है। तो आपके जो समय था उस टाइम का, आप सोचते हैं कि सही वक्त पे हमने जन्म लिया? हाँ जी बिल्कुल, सही वक्त पर हमने जन्म लिया और सही वक्त पर ही हमने देश सेवा करी, और तीन लड़ाइयाँ भी सही टाइम पर हमने लड़ी। तो गर्व होता है अपना आप में कि भगवान ने उस समय जन्म दिया जब देश के ऊपर आंचन थी, हम देश सेवा करी, और जब मौका सरकार देगी तो अभी भी करने के लिए तैयार है जी। बहुत बड़ी बात, आप देखिए 79 साल का उम्र है और वो कहते हैं कि 3 बार लड़ाई है मैंने लड़ी है, उसके बाद अभी भी अगर सरकार चाहती है, सरकार वो करे तो देश की सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूँ। बहुत बड़ी जज्बा है आजकल के युवाओं में, इतनी नहीं देखने को मिलती जितनी इनमें दिखाई देती है। मेरे को आज भी जब सरकार मौका देगी तो मैं बॉर्डर के ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, जैसे परिवार की अगर बात करें तो आपने क्या बच्चे फैमिली में क्या, कौन? मेरा बिल्कुल है, मेरे 2 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ की बहू हैं, 3 पोते हैं, 1 पोती है और मैडम जी हुआ। हाँ, तो अगर बच्चे आपको बात करें कि बच्चे फौज में हैं या आपके कैसे? घर पर हैं साहब, फौज में नहीं गए। फौज में नहीं गए? नहीं गए। तो जैसे 3 साल 3 बार आपने लड़ाइयाँ लड़ी है, सरकार की तरफ से क्या पूरा मदद आपको मिलता है? पूरी मदद मिली है सरकार की तरफ से। अच्छा, अभी तक मिल रही है? हाँ मिल रही है सब, मिल रही है, मिल रही है। तो कई बार ये होता है कि फौज में होते हैं जैसे स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर परिवार है, उन लोगों को मेरे को फुल सरकार की तरफ से सहायता मिली है सर। मेरे को हरियाणा सरकार ने फुल बस का पास दे रखा है, फ्री पास, कहीं घूमो, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेल का पास दे रखा है, कहीं घूमो। आप जब रिटायर हुए उस समय तो आपके हो सकता है बच्चे भी लग सकते थे, लेकिन आपने फौज में भेजने का क्यों नहीं सोचा? सब बच्चा ने ना
मेरे वह चोट लगने से फिर वह नहीं बोले नहीं हम घर पर ही जमींदारा करेंगे। जमींदारा उनके पास में बहुत बढ़िया है। तो बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं लिया? नहीं लिया साहब। अच्छा। नहीं लिया। ये आप भी नहीं चाहते थे कि फौज में जाएं? मैं चाहता था मन बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। अच्छा। हाँ तो जैसे कि आपको जब पता चला आपको गोली उस समय क्या आपकी शादी हो चुकी थी? उस वक्त शादी हो चुकी थी बच्चे नहीं हुए थे। शादी हो चुकी थी और बच्चे नहीं हुए थे? नहीं हुए थे। जब पता चला मिसिस के जब पहली बार आप गोली लगने के बाद पहुंचे और मिले मुलाकात हुई पत्नी के साथ तो क्या उनके क्या भाव थे? बहुत उसने अपनी एक आंख दान दी थी। अच्छा। हाँ बोले मेरा पति बच गया तो मैं जो भी कोई भी फौजी जख्मी होगा और जिसकी आँख कमी होगी तो मैं अपनी आँख दान करूँगी। तो इस तरह की उनमें जज्बा? हाँ जी। हाँ तो भावुक तो नहीं हुए कभी देख कर कि हाँ मेरे पति के टांग में? नाम बड़ी खुश हुई आप कि आज जिंदा आया देश सेवा के लिए मेरा सुहाग बना रह गया ना राई नहीं। बहुत खुश हुई आज भी खुश है। तो अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो इस वक्त की अगर बात करते हैं परिवार में सारे खुश हैं आपके? परिवार में सारे खुश हैं। अच्छा। बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। तो युवाओं को और बच्चों को क्या कहना चाहोगे? जैसे कि आपके समय के हालात आपने 3 बार लड़ाई भी लड़ी आपने कहा कि 7 दिन तक हमने खाना पिया नहीं हमने पेशाब पी के अपना प्यास बुझाया आपने इस तरह की बुझाया मैंने प्यास। आज भी यही बात कर रहा हूँ कि वह टाइम यौवन ही आएगी इब तो साहब पानी ने सार चीज की लड़ाई भी लड़ी जाएगी तो भी पानी की सुविधा चाहे हेलीकॉप्टर से पानी भेजना पड़ो मेरा उस वक्त नहीं सुविधा थी। आज से साहब 71 ने कई साल हो गए इतनी टाइम होगी उस वक्त साधन नहीं था और सरकार गंदे नाले का या वैसे पानी पीऊन भी नहीं देती थी इब तो पी सकते। तो आप क्या कहना चाहोगे जो आजकल के युवा हैं कई बार ना बच्चे जैसे बच्चे हैं कि अपने माँ बाप का वो भी नहीं करते ध्यान भी नहीं रखते और नशे की तरफ ज़्यादातर जा रहे हैं ठीक है देश की सेवा की बात करें कोई चीज़ कहते हैं उसको वो नहीं है अपने मौज मस्ती में और नशे की तरफ और गुंडागर्दी की तरफ इस तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उनको क्या कहोगे आप? मैं ये कहूँगा कि ये तो एक महागंदी चीज़ है। भगवान के ऊपर भरोसा रखो और कमाओ कमाई से ही पेट भरेगा। मैंने न तो आज तक शराब ली न कोई मीट मच्छी खाया और बिल्कुल 4 रोटी खा की न और मैं कमाया हूँ सब। आज मेरे पास में प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है सिर्फ विष्णु आई कमाई से। हाँ तो जैसे रिटायरमेंट आपने सरकार ने कर दिया कि ठीक है आप रिटायर हो जाओ आप अपने घर चले जाओ उसके बाद आने के बाद आपने किसानी की अपनी खेती बाड़ी किसानी करी सब पूरी उम्र? किसानी पूरी उम्र। अच्छा। हाँ मेरे लड़के भी किसानी करते हैं और बहुत तकड़ी किसानी करते हैं। हाँ तो आजकल अगर किसानी की बात करते हैं आपके गाँव में किस तरह की तकलीफ है दिक्कत है कोई गाँव में है या नहीं? अब गाँव में मेरे पानी की तकलीफ है। हाँ नीचे का पानी मेरा बहुत ज़्यादा कड़वा है वो फसल नहीं मान सकता नारायण पानी है नहीं। पानी की जब समस्या हो तो हम देश ना अन्न की कोई कमी नहीं छोड़ा। अच्छा। हाँ पानी की समस्या ना हो तो अन्न की कोई कमी नहीं होने कोई कमी नहीं छोड़ा सब। और पशु है मेरे पास में देश के लिए दूध भी पैदा करते हैं पानी नहीं है पशुओं के लिए भी पानी नहीं है जी। हाँ समस्या पानी की है जी। सबसे मोटी समस्या पानी की। तो जैसे हमने बातचीत की बुजुर्ग हैं कई वर्ष तक जैसे 12 से 13 साल के करीब इन्होंने फौज में अपनी सेवाएं दी 3 बार लड़ाई लड़ी पैर में इनके गोली लगी जख्मी भी हुए उसके बाद सरकार द्वारा मेडिकल द्वारा इनको कह दिया गया कि आप रिटायर हो जाओ और रिटायरमेंट के बाद एक तरह से किसानी कर रहे हैं खेतीबाड़ी कर रहे हैं जैसे पशु घर पर रखते हैं और परिवार वाले की अगर बात की पूरी तरह से परिवार भी खुश है लेकिन इन्होंने कहा है कि युवाओं को इस वक्त के युवाओं को ध्यान देना चाहिए और आजकल माँ बाप की सेवा भी करनी चाहिए और गलत लाइन गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए इस तरह के इन्होंने संदेश दिया। तो आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।